स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास है हमारी बीए थर्ड ईयर और आज का टॉपिक है भारत के संसाधन प्रदेश। टॉपिक क्या है हमारा? भारत के संसाधन प्रदेश। सबसे पहले हम संसाधन प्रदेश का अर्थ समझेंगे कि संसाधन प्रदेश कहते किसे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें संसाधन का अर्थ समझ में आना चाहिए। तो संसाधन का अर्थ क्या होता है? धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ, चाहे वो जैविक हो अजैविक हो, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें ही हम संसाधन कहते हैं। अर्थात धरातल पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उन्हें हम संसाधन प्रदेश कहते हैं, सॉरी संसाधन कहते हैं। अब हम अध्ययन कर रहे हैं संसाधन प्रदेशों का। तो संसाधन प्रदेश कहते किसे हैं? तो देखिए, संसाधन प्रदेश का जो अर्थ होता है भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर, इसके आधार पर भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का अध्ययन करना ही संसाधन प्रदेश कहलाता है। इनके प्रदेश के आधार पर भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर, भौतिक वातावरण में क्या आता है? धरातल की बनावट है, वहाँ की कैसी है, वहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, कृषि फसलों में किनका उत्पादन किया जाता है। तो भौतिक बनावट के आधार पर, इनकी भौतिक वातावरण वहाँ का कैसा है, तो भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का अध्ययन करना ही संसाधन प्रदेश कहलाता है। ठीक है, भौतिक वातावरण में क्या आता है? धरातल की बनावट, खनिज, जलवायु, कृषि, इन सभी के आधार पर, क्योंकि अलग अलग भागों में हमें अलग अलग प्रकार के संसाधन देखने को मिलते हैं, उन संसाधनों में भिन्नता प्रदेश के आधार पर पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? कहीं धरातल की बनावट कैसी है, कहीं धरातल की बनावट अलग पाई जाएगी। तो धरातल की बनावट, जलवायु, खनिज तत्व आदि के आधार पर वहाँ कौन कौन से हमें संसाधन पाए जाएंगे, उन्हीं संसाधनों का जब हम प्रदेश के आधार पर अध्ययन करते हैं तो उन्हें ही हम संसाधन प्रदेश के नाम से जानते हैं। अर्थ स्पष्ट हो गया? भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का अध्ययन करना ही संसाधन प्रदेश कहलाता है। अब भौतिक वातावरण के आधार पर हम संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को कुछ भागों में बांटते हैं। तो देखिए, इसे हम संसाधनों की, सबसे पहला संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, तो संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर हम कितने भागों में संसाधनों को बांट सकते हैं? तो उन्हें हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है गत्यात्मक संसाधन, दूसरा है हमारा उन्नतशील संसाधन, तीसरा है समस्यात्मक संसाधन। आप इन्हें कहते क्या है? जैसे गत्यात्मक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं, उन्नतशील संसाधन किसे कहते हैं, समस्यात्मक संसाधन किसे कहते हैं। तो सबसे पहला है हमारा गत्यात्मक संसाधन प्रदेश। तो गत्यात्मक संसाधन प्रदेश के अंतर्गत उन भागों को सम्मिलित करते हैं जहाँ पर जिनकी जो तकनीकी प्रगति है उन्नतशील पाई जाती है, यानी कि वहाँ पर तकनीकी प्रगति उच्च पाई जाती है, जहाँ संसाधनों का विकास अधिक मात्रा में होता है, ऐसे प्रदेशों को हम गत्यात्मक संसाधन प्रदेश के नाम से जानते हैं। इन गत्यात्मक संसाधन प्रदेश के अंतर्गत कौन से प्रदेश आएंगे? जहाँ पर तकनीकी विकास या तकनीकी प्रगति उच्च पाई जाती है, ऐसे प्रदेशों को हम गत्यात्मक संसाधन प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा है हमारा उन्नतशील प्रदेश। उन्नतशील के अंतर्गत किसे शामिल करेंगे? उन्नतशील संसाधन प्रदेश के अंतर्गत उन प्रदेशों को शामिल किया जाता है जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन जनसंख्या के साथ साथ संसाधन भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन लोगों को तकनीकी का ज्ञान कम होने के कारण वहाँ के संसाधन अभी उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे संसाधन प्रदेशों को हम उन्नतशील संसाधन प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरा है समस्यात्मक संसाधन प्रदेश। तीसरे समस्यात्मक संसाधन प्रदेश के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो वे भाग जहाँ पर जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है और संसाधन कम मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ पर संसाधनों का विकास एक समस्या बन चुका है, ऐसे प्रदेशों को हम समस्यात्मक संसाधन प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से उपलब्धता के आधार पर हम संसाधनों को तीन भागों में बांटते हैं। गत्यात्मक, जहाँ पर तकनीकी विकास उच्च पाया जाता है, और उन्नतशील, जहाँ पर संसाधन तो पर्याप्त हैं लेकिन तकनीकी अभाव के कारण उनका विकास मंद गति से हो रहा है, ऐसे प्रदेश को हम उन्नतशील संसाधन प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। तीसरा है समस्यात्मक, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा और संसाधनों का अभाव, जहाँ पर संसाधनों का विकास करना एक समस्या बन
बन चुका है। ऐसे प्रदेशों को हम समस्यात्मक संसाधन प्रदेश के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन ये तो था उपलब्धता के आधार पर, हम अध्ययन करेंगे योजना आयोग के अनुसार। अब दूसरा कौन सा है हमारा, योजना आयोग के अनुसार। योजना आयोग ने भौतिक बनावट के आधार पर, इनकी जिस प्रकार से हमने सबसे पहले इंडिया ज्योग्राफी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था भारत के भौतिक प्रदेश, इनकी भौतिक बनावट के आधार पर, धरातल की बनावट के आधार पर किस प्रकार से हम हमारे भारत को विभाजित कर सकते हैं भौतिक बनावट के आधार पर, तो हमने उसे देखिए हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र, इस प्रकार से हमने उन्हें डिवाइड किया था। तो इसी प्रकार से योजना आयोग ने भी भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार, क्योंकि हमारी परिभाषा यही आ रही है भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों का प्रदेश के आधार पर अध्ययन करना ही संसाधन प्रदेश कहलाता है। तो योजना आयोग ने फिर भौतिक बनावट के आधार पर, भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को 5 भागों में बांटा। पहला तो है हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, योजना आयोग के अनुसार पहला कौन सा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा पश्चिम तटीय प्रदेश और पांचवा पूर्वी तटीय प्रदेश। और यही चीजें हमने सबसे जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा भारत के भौतिक प्रदेश उसके अंतर्गत अध्ययन किया था। भौतिक वातावरण विविधता देखने को मिलते, कहीं पर पर्वत पठार पाए जाते, कहीं पर मैदान, कहीं पर नदियां, कहीं झील, कहीं तालाब। तो इसे भौतिक बनावट के आधार, जैसे हमारे हिमालय पर्वत उत्तरी भाग है तो इसे हम उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। उत्तर हिमालय पर्वत के आधार पर इसका नाम पर्वतीय क्षेत्र रख दिया गया। जो मध्यवर्ती भाग है वो नदियों द्वारा सिंचित मैदानी विशाल भाग है, इसीलिए उसका भौतिक वातावरण के आधार पर क्या नाम रख दिया, उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। और जो निचला भाग है वो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, भौतिक बनावट के आधार पर प्रायद्वीपीय पठारी भाग। पश्चिमवर्ती भाग है, तट का किनारा अरब सागर से लगा हुआ है, उसे पश्चिम तटीय प्रदेश कहते हैं। पूर्वी भाग जो हमारी बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, उसे पूर्वी तटीय प्रदेश। इस प्रकार से भौतिक बनावट के आधार पर हमने हमारे संसाधन प्रदेशों को योजना आयोग के अनुसार 5 भागों में बांटा है। इस प्रकार से सबसे पहले हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे, तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, पश्चिमी हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। जो हमारा उत्तरी भाग है हिमालय का, उस हिमालय के उत्तरी भाग का जो पश्चिमवर्ती भाग है इसलिए जल विद्युत की संभावना भी पाई जाती है, यहाँ पर खनिजों के भंडार भी पाए जाते हैं। इस प्रकार से और जो हमारा पश्चिम हिमालय प्रदेश है यहाँ पर कौन कौन से संसाधन पाए जाएंगे, खनिजों की उपलब्धता पाई जाएगी और यहाँ पर बर्फ यानी ठंड पड़ती है, इसलिए जल विद्युत की संभावना भी पाई जाएगी। और यहाँ पर वृक्षों में कौन से पाए जाते हैं, कोणधारी वन देखने को मिलते हैं, ये इसके संसाधन हो गए प्रदेश के आधार पर। दूसरा है हमारा पूर्वी हिमालय प्रदेश। पूर्वी हिमालय प्रदेश यह वैसे बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमारा पूर्वी भाग है, कुछ जनजातियां भी देखने को मिलती है, जैसे गारो खासी की पहाड़ी क्षेत्रों में गारो की जनजाति और खासी जनजाति, संथाल जनजाति, इस प्रकार की जनजातियां भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर खनिजों के भंडार भी पाए जाते हैं, इस प्रकार यहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता पाई जाती है। अब है ये तो हो गया हमारा हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वत को 2 भागों में बांट दिया, पश्चिम वाला भाग पश्चिमी हिमालय प्रदेश, पूर्वी वाला भाग पूर्वी हिमालय पर्वतीय प्रदेश। अब है दूसरा हमारा उत्तर का विशाल मैदान। तो आप भौतिक प्रदेशों में वैसे पढ़ चुके हो, उत्तर का विशाल मैदान यानी हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वो सभी नदियां सदाबहार हैं और अपने साथ में जलोदर पदार्थ बहाकर लाती हैं और एक उपजाऊ मैदान करती हैं, कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है इसे हिमालय का उपहार भी माना जाता है। तो ये जितनी भी नदियां बहाकर अपने साथ जलोदर पदार्थ लेकर आती हैं और वो मध्यवर्ती भाग में निचले ढाल पर जब जमा करती हैं तो एक उपजाऊ मैदानी भाग का निर्माण होता है। इस उपजाऊ मैदानी भाग को हम उत्तर के विशाल मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर के विशाल मैदान को हम देखिए 5 भागों में बांटते हैं, निम्न गंगा का मैदान,
मध्य गंगा का मैदान यानी कि जो हमारा पूर्ववर्ती भाग है उसे हम निम्न सबसे निचला गंगा का मैदानी भाग है उसे हम निम्न गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं, मध्यवर्ती भाग है उसे मध्य गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो उसे ऊपरी गंगा के मैदान के नाम से जानेंगे, और जो हमारा तटीय भाग है हिमालय से लगा हुआ उसे तटीय गंगा के मैदान के नाम से जानें, और जो हमारा पश्चिमवर्ती राजस्थान वाला भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश इसे पश्चिम शुष्क प्रदेश के नाम से जानेंगे। और यहाँ पर अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता पाई जाती है। वैसे उत्तर का विशाल मैदान नदियों द्वारा सिंचित है तो यहाँ पर कृषि फसलों की संभावना अधिक पाई जाती है, कृषि की दृष्टि से उपयुक्त है। यहाँ पर कृषि की संभावना अधिक पाई जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या भी सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। इस प्रकार से उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम पांच भागों में बांटते हैं, निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, तटीय गंगा का मैदान और पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय भाग है, पठारी भाग है, और पठारी भाग को हम मुख्य रूप से कितने भागों में बांटते हैं, चार भागों में बांटते हैं। जो पश्चिम वाला भाग है उसे पश्चिम प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं, जो पूर्वी वाला भाग है उसे पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारी भाग कहते हैं, मध्यवर्ती वाला भाग है इसे मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी भाग है इसे दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में खनिजों की उपलब्धता अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसे खनिजों का भंडार भी कहते हैं, क्योंकि खनिजों का अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध जो यहाँ के संसाधन है उनमें खनिज पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्र है, खनिजों की उपलब्धता है, इसीलिए इसे खनिजों का भंडार भी कहते हैं, और ये त्रिभुज की आकृति में फैला हुआ है, इसीलिए हम प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप धरातल का वह भूभाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीप के नाम से जानते। और कैसा भाग है ये, पठारी भाग है, तो भौतिक बनावट के आधार पर क्या नाम रख दिया इसका, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। इस प्रकार से यहाँ पर किसकी प्रधानता पाई जाती है, खनिज तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। अगला है हमारा पश्चिम तटीय प्रदेश। जो हमारा भारत का जो पश्चिमवर्ती भाग है जो अरब सागर से लगा हुआ है उसे पश्चिम तटीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से गुजरात से लेकर के और हमारे कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और गुजरात से कन्याकुमारी तक फैला हुआ तटीय भाग है, और यहाँ पर समुद्री जलवायु पाई जाती है, इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पर जो हमारा केरल कर्नाटक वाले भाग है यहाँ पर जैसे चाय के बागान भी लगाए जाते हैं, नारियल की खेती भी की जाती है, इस प्रकार की यहाँ पर फसलें उत्पादित की जाती है, चावल की खेती भी की जाती है। ठीक है, इस प्रकार से पश्चिम तटीय प्रदेश के अंतर्गत नारियल की खेती, चावल की खेती, इस प्रकार के यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता पाई जाती है। और अगला है हमारा पूर्वी तटीय प्रदेश। ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर भी समुद्री जलवायु का प्रभाव है, और हमारी जितनी भी नदियाँ हैं वो सभी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, इसलिए यहाँ पर उपजाऊ मैदानी भाग होने के कारण चावल की कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार से भारत के संसाधन प्रदेशों को योजना आयोग के अनुसार भौतिक वातावरण की उपलब्धता के आधार पर हम इन्हें पांच भागों में बांटते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, पश्चिम तटीय क्षेत्र और पूर्वी तटीय क्षेत्र।